ओके जी, द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट बिजनेसेस कैन डू फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री को ग्रो करने के लिए बिजनेसेस का क्या रोल है? फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट रोल इज इनोवेशन। जस्ट लुक एट द इकोनॉमी ऑफ यूएस एंड यू विल आइडेंटिफाई दैट इनोवेशन हैज प्लेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स इन द ग्रोथ ऑफ दैट इकोनॉमी। बिजनेसेस कम अप विद न्यू आइडिया, दैट आइडिया बिकम सक्सेसफुल, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो सिर्फ यूएस में नहीं सारी दुनिया में वो प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाती है। तो जितनी ज्यादा इनोवेशन है कंट्री की ग्रोथ में उतना ज्यादा रोल प्ले करते हैं आप एज एन एंटरप्रेन्योर। फिर बच्चों, बिजनेसेस बिकम सोर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। व्हाट डज इट मीन? हम गवर्नमेंट को टैक्सेस देते हैं, गवर्नमेंट उससे रोड्स बनाती है, गवर्नमेंट उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, सिक्योरिटी नेटवर्क्स प्रोवाइड करती है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स इंप्रूव करती है। ओके, इट आल्सो अट्रैक्ट्स द इन्वेस्टर्स। व्हाट डज इट मीन? बिजनेसेस जो है किसी इकोनॉमी में सीड की तरह होते हैं, वो ग्रो करते हैं तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसको उस प्लांट को वाटर करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ग्रोथ स्टार्ट होती है। अगर बिजनेसेस नहीं होंगे तो कोई इंसेंटिव भी नहीं होगा इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा? अगेन, बिजनेस में ही करना चाहेगा। देर इज नो अदर वे जहाँ पे वो जाके करे। और बिजनेस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का रोल भी प्ले करते हैं। गवर्नमेंट को ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उनके साथ मिल के काम कर सकें, जिन पे वो ट्रस्ट कर सके। बिजनेसेस प्रोवाइड दैट अपॉर्चुनिटी और वो फिर गवर्नमेंट और बिजनेसेस की पार्टनरशिप्स होती हैं जिसकी वजह से मिल के काम कर सकते हैं। और फिर बच्चों, बिजनेस इज एन इंसेंटिव फॉर अदर्स। एक बिजनेस सक्सेसफुल होगा, 100 अदर पीपल्स विल ट्राई टू डू अ बिजनेस लाइक दैट। वो उस तरह का काम करने की कोशिश करेंगे, उस तरह से ग्रो करने की कोशिश करेंगे। और बिजनेस ऑल्सो इज एन इंस्ट्रूमेंट टू ग्रोथ। जिन कंट्रीज में बिजनेसेस ज्यादा होते हैं वहाँ जीडीपी भी ज्यादा इंक्रीज होता है, वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है, वहाँ लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छा होता है। तो जितने इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, एंटरप्रेन्योर जितना ज्यादा ग्रो करेंगे, इकोनॉमी में भी उतना ज्यादा वो रोल प्ले कर सकेंगे फॉर द पर्पस ऑफ ग्रोथ।